कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और अपने घर में बिल्कुल महफूज हो गए आप लोग, और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी रही होगी। मेरी ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। और आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ एक नया व्लॉग शेयर। एक्चुअली मुझे जाना था शॉपिंग पे, तो अब थोड़ा सा अपनी सिटी से दूर जाऊँगी लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपनी जर्नी भी और अपनी शॉपिंग भी। तो सबसे पहले वेदर देखते हैं कि आज वेदर बहुत जो है ना बारिश हो रही है, और बस हमारा टूर है और आज बारिश हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह टूर अच्छा जाएगा और मैं आप लोगों के साथ भी सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली आज हम किसी रैंडम शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि एक ख़ास मकसद के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। एक्चुअली बच्चों ने स्टार्ट करना है पढ़ना के, तो जिसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल ड्रेसिंग चाहिए। रेन सूट्स होते हैं और पार्का ड्रेसेस होते हैं, रेन शूज़ वगैरह होते हैं, ग्लव्स होते हैं, वो सब कुछ आज हम लोगों ने लेना है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज बहुत सारी शॉपिंग होगी और लॉन्ग व्लॉग होगा, और आप लोगों ने भी मेरे साथ रहना है और होपफुली आप मेरी वीडियो को इंजॉय करोगे। तो चलो चलते हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं विंडो से बाहर कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को अपनी जो है जर्नी शो करती जाऊं, साथ साथ आप लोग देखते जाएं कुछ ना कुछ। जो मैं देख रही थी वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो होपफुली आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा मेरे साथ देखते हुए सब कुछ। अच्छा, नॉर्वे का वेदर आप लोगों को शायद आइडिया हो कि काफ़ी जो है ना एक्सट्रीम सा है, मतलब सर्दियों में तो स्नोफॉल वगैरह होती ही है, पर यहाँ पे समर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होते हैं और बारिश होती रहती है, तो ठंड ही रहती है ऑलमोस्ट। और हम जो पाकिस्तानी हैं हमें तो स्पेशली ठंड ही फील होती है, बट जब धूप होती है थोड़ी सी गर्मी भी फील हो जाती है, लेकिन ये कि बारिश होती रहती है और धूप बहुत रेयर किसी किसी दिन ही निकलती है। जिस दिन धूप निकलती है उस दिन यहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं एक्चुअली। तो ये वेदर इस तरह ही है यहाँ पे। और अब खैर हम लोग पहुँच रहे हैं अपने शॉपिंग मॉल में, तो अभी हम लोग बस से उतरेंगे, स्टॉप आ गया है, और फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। शॉपिंग मॉल है जहाँ पे मतलब आप एक दिन में बहुत मुश्किल से सारा कवर कर सकते हैं, कर लेते हैं, बट बहुत थक जाते हैं। तो अभी हम लोग पहले घूम फिर के चीज़ें देखेंगे, जहाँ पे हमें पसंद आएंगी तो फिर हम वहाँ से परचेज़ करेंगे। अभी हम जस्ट घूम फिर रहे हैं यहाँ वहाँ, और हम लोग बस चेक कर रहे हैं चीज़ों को। आप लोग भी मेरे साथ देखें क्या सब कुछ मैं देख रही हूँ, और काफ़ी मज़ा आता है विंडो शॉपिंग करके भी, तो आप लोगों के लिए एक तरह से विंडो शॉपिंग ही हो जाएगी। तो चले आइए।
बारिश हो रही थी बाहर, मैं चलते चलते आप लोगों को बाहर की शो कर रही थी क्योंकि मुझे बाहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। तो बस हम घूम फिर रहे हैं अभी क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें लेनी है और जिसके लिए ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो है ना शॉप्स पे हमें जाना पड़ेगा। तो अभी हम बस विज़िट ही कर रहे हैं और हमें काफ़ी टाइम लगा शॉपिंग के लिए। आप लोग भी देखें कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट मेरे साथ रहिएगा और चलें और घूमते फिरते हैं। बच्चों ने तो अभी से ही बहुत तंग करना शुरू कर दिया था, बच्चे अभी से थक भी गए थे और पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होगा, कैसे ये लोग हमारे साथ रहेंगे इतनी देर तक, क्योंकि हमें तो बहुत टाइम लगने वाला था। तो देखते हैं आगे क्या होता है लिपसी। एक मिनट ओके आई एम कमिंग। Yeah, what are you doing? Okay. करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे और हमने सोचा कि लंच किया जाए, और लंच के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए मैकडोनल्ड था क्योंकि वहाँ पे वेज और फिश बर्गर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो हम लोग चले गए मैकडोनल्ड लंच के लिए। तो लंच करने के बाद हमने अपनी बाकी शॉपिंग फिनिश की जिसमें हमने ऑलमोस्ट 2 to 3 hours लग गए, हम बहुत ज़्यादा थक गए और बच्चों ने भी हमें खूब तंग किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी शॉपिंग कर ली, जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने सब ले ली और अब हम लोग आ गए हैं बाहर और वेट कर रहे हैं अपनी बस का। और ये बस का लास्ट टाइम है जो जाएगा, आज वीकेंड है, सैटरडे भी था तो बहुत ज़्यादा रश था, और ये खैर बस पे तो इतना रश नहीं था बट ओवरऑल मॉल में काफ़ी रश था और अब हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली संडे को यहाँ पे सब कुछ बंद होता है, नॉर्वे में बस सर्विस वगैरह भी कुछ भी नहीं होता संडे को, सब घर पे रेस्ट करते हैं, और सैटरडे को भी बल्कि बहुत लिमिटेड टाइम्स शायद 1 या 2 टाइम ही जो है वो बस के चलते हैं। तो इसी वजह से मैंने बताया कि लास्ट टाइम था जो हमने ज़रूर लेना था घर पहुँचने के लिए, और हम बहुत थक भी चुके थे। और ये मेरी शॉपिंग माशाल्लाह से बहुत सारे बैग्स हो गए थे, हमने बहुत मुश्किल से कैरी किए घर तक, पर जो ज़रूरी काम है वो तो करने ही होते हैं। तो बस ये एक्चुअली जब से कोरोना का इशू है तब से हम लोग बहुत केयर कर रहे हैं,
के बच्चे हैं ऑब्वियसली, तो केयर करना तो ज़रूरी है। इसलिए हम काफ़ी मंथ्स के बाद पूरी फैमिली जो है इस आए थे शॉपिंग के लिए। इसलिए हम बहुत एक्साइटेड भी थे और हमने पूरा दिन खूब शॉपिंग की, खूब घूमे फिरे, खूब इंजॉय किया। और अब हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े हैं और इंशाल्लाह ताला 1 से 1.5 घंटे के दरमियान हम घर पहुंच जाएंगे। और मैं आप लोगों को बीच में भी जो है सारा कुछ दिखाती जाऊंगी कि कैसे कैसे व्यूज़ थे, बहुत खूबसूरत है नॉर्वे। और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मेरे साथ देख के बहुत मज़ा आएगा। और वापसी का रूट हमारा डिफरेंट है पहले रूट से, तो इस बार भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सब कुछ। आज का हमारा बहुत ही हेक्टिक और टायर्ड दिन जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरे साथ मज़ा आया होगा, आप लोगों ने भी सब कुछ इंजॉय किया होगा। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, और बस 5 से 10 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे।
अपनी व्लॉग एंड करने लगी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं कोई नई वीडियो लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।